क्या करना चाहेंगे? जैसा कि देखा जाए कि आपकी जीत को लेकर पूरे शहर में हर्षोल्लास के साथ में आपका जीत की जश्न मनाई जा रही है, आप ये क्या करना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के जितने भी मेरे मतदाता भाई और बहन है, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और असल में ये जो जीत हुई है, ये मेरी जीत मैं एक सिर्फ बहाना हूँ, जीत तो जनता की हुई है, मतदाताओं की हुई है, और ये जीत महा विकास आघाड़ी की हुई है, हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर जी पवार साहब की हुई है। मैं तो सिर्फ एक बहाना हूँ और इसके लिए लोग तो जश्न मना रहे हैं। असल में तो ये टाइम आपने देखा होगा, भिवंडी की जो हमारी जनता थी, असल में उन्होंने पूरी इलेक्शन अपने हाथ में ली, ना किसी नेता का चल रहा था, ना किसी लीडर का, ना कोई भी किसी का भी जनता सुनने के मूड में नहीं थी। इसके लिए सबसे पहले तो ये सब मेरे जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हकीकत में बोलता हूँ, उन्होंने जितना मेरे को प्यार दिया है, ये मैं जिंदगी भर नहीं बोल सकता, और उनके ऋण से कभी मुक्त भी नहीं हो सकता। इतना प्यार और इतना मेरे को सपोर्ट जनता ने दिया। शहर की जनता ने आप पे इतना भरोसा किया है, तो जगह जगह छोटे से लेके बड़े तक बुजुर्ग आपको मामा के नाम से आपको जानते हैं और पहचानते हैं, तो हर जगह मामा मामा मामा, तो आप उनके लिए आप कितना खरा उतरेंगे इसके बारे में बताइए। देखो, जो जनता ने भरोसा रखा है, मैं पूरा खरा उतरूंगा। आप सभी मीडिया वाले भिवंडी के ही है, आप सभी देखने वाले भी है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। फिलहाल आज के दिन इतना ही कहूंगा, सबका शुक्रिया अदा करूंगा। आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है, पुलिस लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है, पूरी यंत्रणा जो भी गवर्नमेंट थी सभी ने अच्छा सहयोग दिया करके आज ये जो रिजल्ट बाहर आया, इसके लिए फिर से एक बार सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इतना ही कहूंगा, जो मेरे ऊपर भरोसा रखा है, कभी भी वो भरोसा टूटने नहीं देगा, वो भरोसा हमेशा कायम रखने की पूरी पूरी जी जान लगा के कोशिश करें।